What you believe, क्या आप विश्वास करते हैं, influences every area of your life. जो भी आप विश्वास करते हैं ये जो है आपकी जिंदगी हर एक क्षेत्र पर असर डालता है. Let me give an example. चलो उदाहरण देंगे. You go to the party. आप पार्टी में जाते हैं. And suddenly something comes. और अचानक कुछ आता है. Shaking. हिलते. लो यार विस्की लो. बोले सॉरी यार मैं नहीं लेता. बोले लो फ्री है. नहीं लेता. फ्री है यार. नहीं लेता. पागल आदमी. हाँ ठीक है तू ले यार. क्यों नहीं लेता. आई बिलीव इन जीसस. वेट. यार हम लोग ने देखा सब लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं सब लोग ठासते हैं. तू क्या अलग है. नहीं यार मैं अलग हूं. मैं बाइबल में विश्वास करता. वेट. योर बिलीविंग आपका विश्वास करना शोज योर नेचर शोज योर बिहेवियर. और देखिए ये आपके स्वभाव को आपके बर्ताव को दिखाता है. कम ऑन somebody. You know one fellow. देखो एक व्यक्ति रिक्शा जाएगा अंदर ही जाएगा नहीं जाएगा. You know all तेरी माँ की बहन की और everything का happens. You speak like that. आप बोलते हैं ऐसा. You speak like that. मैं गाली नहीं दिया. Don't worry. All that बहन का बाप का माँ का everything comes over there. And here you come and say hallelujah. और यहाँ पर आकर फिर कहते हैं hallelujah. But there are some people sitting over here. मगर ऐसे भी कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे. जाएगा? नहीं जाएगा. ठीक है जाएगा. Your friend says चल घुस अंदर. ले नहीं यार छोड़िया. कैसा नहीं जाए. नहीं छोड़िया. Why did you do that? क्यों करते हैं आप ऐसा? Because. क्योंकि? तू पहला रहता था तो उसको घर पे लेके जाता था तू. But now. अगर अब? You changed. अब बदल गए हैं. Your belief. आपका विश्वास करना. Has changed your behavior. नहीं आपके बर्ताव को बदल दिया है. Somebody say hallelujah. हालेलुया. ठीक है नहीं जाता मैं चलके जाएगा छोटा. दादो फेले अरे तू भी बैठ यार घुसने का. बोले नहीं यार पहला घुसता था सीधा घुसता था अंदर. प्रभु में विश्वास करते हैं तो ये आपके बर्ताव के ऊपर असर डालेगा और देखिए ये आपके चरित्र को भी दर्शाएगा. इफ यू रियली बिलीव सच में आप विश्वास करते हैं इट विल रिफ्लेक्ट इन योर वर्ड्स आपके शब्दों में भी दिखाई देगा. Somebody say amen. You know, people come to you and say, और देखिए लोग आकर कहते हैं आपसे क्या रे तू प्रार्थना में गया क्या हो गया क्या हो गया मंडे को गया था हो गया ट्यूसडे कुछ हो गया. If you not a believe, you not really believed. अगर आपने सच में विश्वास नहीं किया है चल रे चल कुछ नहीं होता चल मेरे साथ दर्शन में बैठेंगे दो बियर मारेंगे ठीक हो जाएगा तू. But if you really believed, मगर अगर सच में आपने विश्वास किया है, you know what you say? आप जानते क्या कहेंगे? My God, मेरा परमेश्वर has not answered me on a Monday. सोमवार को इसने मेरे को जवाब नहीं दिया. But I know, मैं जानता हूँ, that there's a new day coming. Hallelujah. एक नया दिन आ रहा है. You go and drink. Hallelujah. तुम जाकर पियो. I will sit and praise my God. Hallelujah. मैं बैठकर मेरे प्रभु की स्तुति करूँगा. Because this is the day the Lord has made. Hallelujah. क्योंकि ये वो दिन है जिसे मेरे प्रभु ने बनाया है. Hallelujah. बोले बेवकूफ है क्या बोलता है Lord ने made. No. He believes, so he speaks. नहीं क्योंकि वो विश्वास करता है इसलिए वो बोलता है. Somebody say amen. कोई कहे amen. Are you following me? आपको समझ में आ रहा है? Your belief. आपका विश्वास करना. It's not the Bible says. Bible कहती है. Whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Meaning your lifestyle. When you pray, you believe your lifestyle is changed now. और देखिए जब आप प्रार्थना करते हैं और आप विश्वास करते हैं आपकी जिंदगी बदल जाती है. Somebody talks against you. कोई आपके खिलाफ बात करता है. Earlier. पहले. You would give him black eye. आप भी गुस्सा मारते थे. बोले ये ले फ्री. But now, मतलब? Say it's okay. I forgive you, man. चलो मैं तुम्हें क्षमा करता जाओ. I forgive you. मैं तुम्हें क्षमा करता. That's why. इसी वजह से. You must not get upset when somebody talks against you. और आपको निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए जब कोई आपके खिलाफ में बात करता है. You should say. आपको कहना चाहिए. Just I release you. मैं तुम्हें आजाद करता हूँ. Peace और दीजिए कक्का. ठीक है No. नहीं. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. Everyone say I believe. सब लोग मैं विश्वास करता हूँ. पहला मुंह नहीं खुलता था, सीधा हाथ उठता था. लेकिन अभी I believe. मैं विश्वास करता हूँ. अरे मुंह से कोई पोता भी बोले आई बिलीव नहीं तोता को सिखाओ आई बिलीव इन द फादर आई बिलीव इन द सन. ओके यू बिलीव लेट मी सी योर लाइफ गो विद मी. कम ऑन यू नीड टू गिव द लॉर्ड अ शाउट. आपको प्रभु को जोर ताली में भेज चढ़ाने की जरूरत है. आई शो यू आपको दिखाएंगे. आई शो यू दिखाएंगे. गो टू सेकंड कोरिंथियंस. Let me share with you some important revelation over here now. और चलो कुछ महत्वपूर्ण प्रकटीकरण आपके साथ बांटते हैं. Second Corinthians 4:13.
दूसरा कुरिन्थियों 14 अध्याय 13 वचन. See what people say, believe, believe. It's just holding your neck, holding your heart, holding your pants is not enough. Okay. और देखिए जब लोग कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूँ, सिर्फ अपने गर्दन को पकड़ना या छाती पे हाथ रखना, पैंट को पकड़ना, ये काफी नहीं है. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. छोड़ गला मर जाएगा. Okay. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. चुप तेरी तो. Sir. How many of you understanding something? कितने लोग कुछ समझ रहे हैं? What is believing? ये विश्वास करना क्या है? Everyone say right believing. सभी लोग कहें सही विश्वास करना. Come on. Will change my living. सही विश्वास करना मेरी जीवन शैली को बदल देगा. Brother, show me in the scripture. और दिखाइए मुझे वचन में. I'll show you in the scripture. दिखा दें आपको. Come on, everyone after me. One to go. And since we have the same spirit of faith, according to what is written, repeat after me. I believed, and therefore I spoke. That means his belief system changes the way he speaks. और देखिए उसकी विश्वास की प्रणाली ने जिस तरीके से बोलता वही बदल दिया. सबने बोलो उसकी विश्वास करने की क्षमता. बोलो उसकी विश्वास करने की क्षमता ने उसके जबान को बदल दिया. उसके जबान को बदल दिया. पहले गाली निकलता था तब पारे पाता था तब. बोले नहीं, अभी मैं विश्वास करता हूं, मैं गाली नहीं दे सकता हूं. मैं श्राप नहीं दे सकता, तुझे सत्यानाश हो देते बात. तुझे सत्यानाश नहीं दोस्त, मग सत्याना झाला ना माणूस तुझ्या बाजूला बसला असेल तर मग मीटिंग मध्ये. हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग राइट नाउ? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? एज अ प्रीचर आई कैन नॉट कर्स पीपल. अरे प्रचारक के ऊपर लोगों को शाप नहीं दे सकते. यू आर कमिंग अगेंस्ट मी. तो मेरे खिलाफ में आ रहे हो? कर्स्ड बी आर. शापित हो जाओ. दैट फेलो इज कम नाउ फॉर द माय मीटिंग नाउ. और वे व्यक्ति अभी अपाहिज बनकर आता है. आई ओनली हैव टू फास्ट एंड प्रे फॉर हिम देन. उस व्यक्ति की चंगाई के लिए खुद को ही उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू लिसनिंग? कितने सुन रहे हैं? सी एवरीवन से आई बिलीव्ड. सभी लोग कहें मैं विश्वास करता हूं. Really? सच में? And therefore I spoke. What did you spoke? You spoke in line with your belief. Say amen. और क्या आपने बोला? आपके विश्वास से मेल खाते हुए बातों को आपने बोला. Now he says further. He says. और आगे वो कहता है. We also believe. हम भी विश्वास करते हैं. How many of you believe? कितने विश्वास करते हैं? Everyone say, now say therefore we speak. इसलिए हम भी बोलते हैं. How is your speech? आपकी बोलचाल कैसी है? How is your speech? आपकी बोलचाल कैसी है? माँ बहन निकलती है मुंह से. हाँ, दादा बेटा निकलते हैं, श्राप निकलता है, सत्यानाश हो तेरा कीड़े पड़े तेरे. Do you talk like that? क्या आप ऐसी बात करते? How do you talk to your wife? आप अपनी पत्नी से कैसे बात करते? Many people are cursing their children. और बहुत सारे लोग अपने बच्चों को श्राप देते हैं. गधा है तू, गधा, गधे की मौत मरे. अच्छा, गधे का ही बच्चा है. You cursing your children. आप अपने बच्चों को श्राप दे रहे हैं. And you say you believe. और आप कहते हैं आप विश्वास करते हो. नालायक है, नालायक, डूबेगी, मरेगी, मरेगी, सुन प्रेयर मीटिंग में. अच्छा, क्या बोल रहे हैं? कितने लोग अपने बच्चों को ऐसे शाप देते हैं? हाथ उठाए जल्दी से. कोई बोला ऐसे ऐसे कर रहे हैं. If you really believe, आप सच में विश्वास किया, your speech will change. आपकी बोलचाल बदल जाएगी. Your dressing will change. और आपका चलना सब बदल जाएगा. Everything about your life will change. Hallelujah. आपकी जिंदगी के बारे में सब कुछ बदल जाएगा. Listen, सुनो. When you pray, जब आप प्रार्थना करते हैं, you become that prayer. आप खुद वो प्रार्थना बन जाते हो. You didn't understand. आप नहीं समझे. Are you following? What I'm आप समझ रहे हैं जो भाई कह रहे हैं? So it's not just holding your neck, holding your chest, holding your pants. काफी नहीं. छाती पर हाथ रखना या पैंट पकड़ना काफी नहीं. I believe. क्या विश्वास कर रहा है? I believe. अगर तू सच्चा विश्वास करता है तो तेरे अंदर का विश्वास बाहर तेरे जिंदगी में दिखाई देगा. That's why if you believe. और इसलिए आप विश्वास करते हैं तो you cannot fool around. आप बाहर ऐसा खेल नहीं कर सकते. You cannot sleep with Harry and sleep with Larry and marry somebody else. और हैरी और लैरी के साथ सोकर किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते. That's tough. That was not in my notes. Suddenly it came. Okay. नहीं, मैं आजमा रही थी कौन अच्छा है ना. अच्छा, ऐसा आजमाता. डोंट गेट मी रॉन्ग चर्च, गलत मत समझो. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन चर्चेस. यही सब हो रहा है कलीसियाओं में. एंड पास्टर कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज़ टाइथ कम हो जाएगा. और पासबान कुछ कह नहीं सकते इसके खिलाफ में क्योंकि दशमांश आना कम हो जाएगा. लेकिन टाइथ की ऐसी की तैसी, बेटर गेट योर लाइफ राइट. अपनी जिंदगी को सही कर लो. Somebody say amen. Okay, amen. I'm not after your tithe, okay? आपके दशमांश के पीछे नहीं है भाई. Said after me, right believing सभी लोग कहें produces right living.
सही विश्वास करना सही जीवन जीने को पैदा करता है। Suppose you prayed for a job. मान लीजिए आपने नौकरी के लिए प्रार्थना की है। You prayed, Lord, give me a job. और प्रभु मुझे नौकरी दे। बाहर जाके you don't say like that. I don't know, yaar. I will get a job or no. You are short-circuiting your prayers. If you prayed with belief, you should say, I will get a job in Jesus' name. अगर आपने प्रार्थना किया आपकी नौकरी के लिए विश्वास से, तो आपको कहना चाहिए कि मुझे यकीन है नौकरी मिलेगी। Somebody say, I don't see it. क्योंकि मैं मुझे दिखता नहीं है। But I believe it. मगर फिर भी मैं विश्वास करता हूँ। And I speak it. और मैं बोलूँगा। I will be saved. Hallelujah. मेरे बच्चे उद्धार पाएंगे। Hallelujah. That's why you don't receive. और इसी वजह से आप ग्रहण नहीं कर पाते। प्रार्थना में एक बोलते हो, बाहर जाके एक दूसरा बोलते हो। प्रभु बोलता है क्या सुनो इसका, कभी ऐसा बोलता है कभी ऐसा बोलता है। लास्ट वन, आखिर में, इज दिस गुड? क्या ऐसी चीज है? आर यू लर्निंग समथिंग? आप कुछ सीख रहे हैं? आई वॉन्ट यू टू टेक दिस सीडी एंड ओके, इफ यू डोंट हैव मनी, टेक इट फ्री, ओके? और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुफ्त में ले लीजिएगा। लास्ट वन, आखिरी, मैथ्यू 10:14, क्विकली, मत्ती का जो कोई तुम्हें ग्रहण ना करे, नॉर हियर योर वर्ड्स, और ना ही तुम्हारी बातें सुने। Come on, repeat after me. सभी लोग कहें। Now this is a revelation hidden. और देखिए इसमें प्रकटीकरण छिपा हुआ है। Whoever will not receive you. जो कोई भी तुम्हें ग्रहण ना करे। Why is a person not receiving you? और क्यों ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपको ग्रहण नहीं करता? Nor hear your words. ना ही आप तुम्हारी बातों को सुने। How do you receive? कैसे आप ग्रहण करते हो? From God. परमेश्वर से। Is you hear the word first? और देखिए आप पहले वचन को सुनते हो। And then you receive. फिर उसके बाद आप ग्रहण करें। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं? Let me break it. Look at that. और देखिए यहाँ पर। Whoever will not receive. जो कोई ग्रहण नहीं करेगा। Is the person who not hear your words. और वो व्यक्ति तुम्हारी बातें नहीं सुनेगा। Meaning? मतलब? See, listen. सुनो। Everyone say. सभी लोग कहें। Your बाजी वाले को बोल, अगर कोई आदमी तेरी सुनता ही नहीं है, तू जो बोलता है सुनता ही नहीं है, तू बड़बड़ कर रहा है, ऐसा हुआ वैसा, हाँ, that person cannot receive you. वह व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता। हेलो, वो तुम्हें अपना नहीं ले सकता, अपना नहीं ले सकता। हेलो, आर यू लिसनिंग? समटाइम्स वी मेन वी डोंट लिसन। और कभी कभी हम आदमी लगते हम सुनते नहीं है। एंड द वाइफ वांट्स अस टू लिसन। और पत्नी चाहती है कि हम सुने। द वाइफ यू नो जैसा बैग लेके आया अंदर, ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुत्ता मर गया, बंदर, दे वांट अस टू लिसन। और वो चाहती है कि हम सुने। व्हेन वी डोंट लिसन टू समबडी, जब हम किसी के सुनते नहीं है, वी कैनॉट रिसीव दैट पर्सन, उस व्यक्ति को फिर हम अपनाते नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं? डू यू वांट टू गेट क्लोज टू समबडी? क्या आप किसी के करीब होना चाहते हो? हेलो, डू यू वांट टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप्स? क्या आप अपने संबंधों को बढ़ाना चाहते हो? लर्न टू बी अ गुड लिसनर, अच्छे सुनने वाले व्यक्ति बनना सीखो। The problem in today's world is, और आज की दुनिया में समस्या ये है, everybody wants to talk, कि हर कोई बोलना चाहता है। Hello, praise the Lord, प्रभु की स्तुति हो। बोले मेरी सुन, कहते मेरी सुनो, नहीं मेरी सुन पहले, नहीं पहले मेरी सुनो। सब सुनाते रहते हैं, कोई सुनता नहीं है, सिर्फ दीवारें सुनती हैं। Are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? The only thing we listen to is the television. और सिर्फ एक चीज जिसकी हम सुनते हैं वो टेलीविजन। पास्टर, पास बनो, लिसन टू योर पीपल, अपने लोगों की सुनो। लेट देम स्पीक, उनको बोलने दो। आर यू लिसनिंग चर्च? आप सुन रहे कलीसिया? लीडर्स, अगुओं, लिसन टू योर पीपल, अपने लोगों की सुनो। बिजनेसमैन, व्यवसायिक लोगों, लिसन टू योर कस्टमर्स, अपने ग्राहकों की सुनो। डोंट गिव एक्सक्यूज, नो, लिसन, और बहाने मत दो, लिसन, नहीं नहीं सुनो। योर नेबर एंड से लिसन, अपने पड़ोसी को छूकर कहो सुनो। Wife, पत्निया, instead of doing jabber jaw, jabber jaw, but listen. और बड़बड़ करने से अच्छा आप सुनो। Listen, सुनो। How many of you listening right now? You'll be surprised. आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। And God is saying over here. परमेश्वर कह रहा है यहाँ पर। Whoever will not receive you is the person who does not hear your words. Even for God, if you want to receive from God, you need to hear His word first. और देखिए अगर आपको परमेश्वर से भी कुछ ग्रहण करना है, तो सबसे पहले आपको उसका वचन सुनना पड़ेगा। Now you're sitting over there. और देखिए आप वहाँ बैठे हैं। And you're quietly sending WhatsApp messages to your girlfriend. और चुपके से आप अपने WhatsApp पे संदेश भेज रहे हैं अपनी girlfriend को। You're updating your Facebook status. अपने फेसबुक का स्टेटस आप अपडेट कर रहे हो। You are not listening to the word. तो आप प्रभु का वचन नहीं सुन रहे। God says you cannot receive me. परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे अपना नहीं सकते। How many are listening right now?
Because the Bible says, क्योंकि बाइबल कहती है, in Romans 10:17, रोमियों की पत्री 10वां अध्याय 17वां वचन, faith comes, विश्वास आता है, by listening, सुनने से, by hearing, सुनने से. So when you are listening to the word of God, तो जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो, faith is coming, और विश्वास आता है. The moment faith comes, और जिस पर विश्वास आता है, you receive, hallelujah, आप पा लेते हैं, hallelujah. Somebody say hallelujah. कोई कहे hallelujah. So you see how important it is for receiving and to hear. और देखिए कितना मायने रखता है कुछ ग्रहण करने के लिए पहले सुनना. That's why people don't hear, receive. और इसी वजह से लोग ग्रहण नहीं करते. I asked somebody after the meeting. और सभा के बाद भाई ने किसी से पूछा. मैंने क्या बोला? क्या बोला? क्या मालूम क्या बोला? Yesterday or Saturday? शनिवार को ही. One boy came to me after the meeting. और एक लड़का आया सभा के बाद में. Brother, मेरे लिए प्रार्थना करो. भाई भाई मेरे लिए प्रार्थना करो. The people are telling, अरे ब्रदर ने क्या बोला, सुना नहीं तूने आज? बोले नहीं. बोले किधर था? See? देखो. Man, everybody is receiving. This man is not receiving. हर कोई सुन रहा है, ग्रहण कर रहा है, लेकिन ये नहीं सुन रहा. उसको दुनिया बोल रही है, अरे ब्रदर ने क्या बोला, सुना नहीं तूने? बोले नहीं. That's why you didn't receive. इसी वजह से आप ग्रहण नहीं कर पाते. Friends, all of you listening over here. आप सभी लोग जो सुन रहे हैं, learn to hear the word. The moment you hear the word, right now your situation is changing in Jesus' name. और वचन को ग्रहण करने को सीखो. और जैसे आप वचन ग्रहण कर रहे हैं, ठीक अभी आपके हालात बदल रहे हैं. Somebody say hallelujah. कोशिला hallelujah. 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 Hearing. Everyone say, Lord, open my ears to hear. Hallelujah. वचन में लगा है, प्रभु मेरे कान खोल देते सुनने के लिए. And the last one. और आखरी. And I'm very important. बहुत ही मायने रखती है. Okay. Quickly, quickly. Matthew 11:14. Quickly, now close. Get ready, guys. Yeah. मत्ती 11वां अध्याय. Matthew 11:14. Quickly. Very powerful. बहुत ही सामर्थी. This is where people miss the boat big time. और देखो यहीं पर लोग बड़े तौर पे चूक जाते हैं. What's this? देखो. Everyone say, if you are willing. Come on, everyone say, if you are willing to receive it. Come on loudly. If you are willing to receive it. Jesus told the people. Ravi, Pastor Ravi. और देखो यीशु यहाँ कहता है, अगर तुम इच्छुक हो. ग्रहण करने के लिए. ग्रहण करने के लिए. That means. इसका मतलब. To receive. ग्रहण करने के लिए. I must be willing. मुझे इच्छुक होना पड़ेगा. What do you mean? मतलब क्या? Jesus came to the fellow. और यीशु आया उस व्यक्ति के पास. And said. अगर कहा. Do you want to be healed? तुम चंगे होना चाहते हो? हाँ. अरे यार मैं बीमार हूँ यार, चंगा होना चाहता हूँ मैं. क्या पूछते तू? There are people. ऐसे लोग हैं. Who are sick. जो बीमार हैं. But they don't want healing. मगर वो चंगा ही नहीं चाहते. They want something else. वो कुछ और ही चाहते हैं. Hello. They're not willing. इच्छुक नहीं है. Many Christians. बहुत सारे मसीह. You know, I asked them, what do you came to pray for? और भाई ने पूछा, किस चीज के लिए आए तुम? Nothing, I just came. कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गया. Yeah. हाँ? How can you receive then? तो कैसे आप कुछ पा सकते हो? You're not willing. आप इच्छुक नहीं है. I asked one lady, sister. मैंने किसी महिला से पूछा. You know, I met her outside. बाहर मिले उनसे. So I said, sister, कैसा लगा meeting? बोला. बहन कैसा लगा आज आपको सभा? तो आपने क्या मांगा आज प्रभु? आज आपने क्या मांगा? कुछ नहीं. बोला आप. तो I thought she didn't understand. So I said, आप क्यों आए मीटिंग में? बोले शाम को मैं फ्री रहती हूँ, कुछ काम नहीं, इसलिए मैं आती हूँ. ऐसा आदमी हाथ रख, पैर रख, तेल डाल, शक्कर डाल, कुछ नहीं मिलने वाला उसको. Because क्योंकि she is not willing. वो इच्छुक नहीं है. There is no desire. उसके अंदर कोई लालसा तमन्ना नहीं है ग्रहण करने की. Somebody say hallelujah. कोई कहे hallelujah. Today, आज, if you want to receive. अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, if you want to receive, अगर आप ग्रहण करना चाहते हैं, then there must be a desire, a willingness to receive. तो देखिए, इच्छुकता होनी चाहिए, एक लालसा होनी चाहिए ग्रहण करने की. Don't make it a habit. बोले मंडे चल जाएंगे, थोड़ा हंसी मजाक करके आए. No sir. और ऐसी आदत मत बना लो कि चलो सोमवार है जाएंगे कुछ हंसी मजाक कर लेंगे. Many religious people go to churches. और बहुत सारे धार्मिक लोग कलीसियाओं में जाते हैं. बोले संडे है. आज संडे है. They go for 45 minutes. They sit down, do some PT, and they come out. और 45 मिनट के लिए जाते हैं, बैठते हैं, कुछ पीटी का काम करते हैं और आ जाते हैं. चलो सब लोग हाथ उठाएंगे. चलो सब लोग हाथ उठाएंगे. हाथ नीचे करो. हाथ नीचे करो. बैठो नीचे. बैठो नीचे. थोड़ा नाचो. चले ने पीटी. अपने पड़ोसी को बोलो पीटी. यीशु है सच्चा गडरिया. चले ने पीटी. अपने पड़ोसी को बोलो पीटी. उनको कुछ नहीं मिलता. बोले क्यों, क्या ऐसे मजा है? संडे है ना. There is no listen, sisters. सुनिए बहन. There is no willingness to receive. और ग्रहण करने की कोई इच्छुकता उनमें नहीं है. Many leaders you sitting over here. अनेक अगुवे जो यहाँ बैठे हैं. Don't think you are some big cats, you know, from Jupiter, you know. You must have the willingness to receive. I may be a leader from 40 years, but today, God, I want to receive something from you. Hallelujah.
इच्छुकता की एक तमन्ना रहनी चाहिए कि प्रभु भले मैं 40 साल से मैं अगुवा हूं मगर फिर भी मैं ग्रहण करना चाहता हूं आज. हालेलुया हालेलुया. आर यू लिसनिंग? आप सुन रहे हैं? जब भी मैं कोई मीटिंग में जाता हूं मैं प्रीचर को नहीं देखता हूं, कौन प्रीचर है, कितना बड़ा कोट पहना है, कोई भी नहीं. अगर बच्चा भी खड़ा हुआ है ना, आई सेड लॉर्ड आई वांट टू रिसीव फ्रॉम यू, आई वांट टू रिसीव, आई वांट टू रिसीव. लिफ्ट योर हैंड एंड से आई वांट टू रिसीव. हालेलुया. बोलिए मैं ग्रहण करना चाहता हूं. हालेलुया हालेलुया. बोलो हालेलुया. दैट्स व्हाट मेक्स यू टू रिसीव. और देखिए यही चीज आपको ग्रहण करने योग्य बनाती है. आज आई प्रे दैट एवरीवन विल रिसीव. प्रार्थना करते हैं कि आप में से हर कोई आज ग्रहण करेगा. आर यू रेडी चर्च? आप समझ रहे हैं कलीसिया? प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु दियो. मेनी विल रिसीव टुडे. बहुत सारे लोग आज यकीनन पाएंगे. गिव जीसस अ बिग हैंड. हालेलुया. चलो यीशु को सोता ताले के भेज चढ़ाएंगे. आई हैव प्रेड. मैंने प्रार्थना किया है. बट नाउ यू हैव टू लर्न टू रिसीव. ओके, मगर अब आपको ग्रहण करने को सीखना पड़ेगा. आई टॉट यू हाउ टू रिसीव. दीस यंग गाइस दे डिड वेल. दिस इज लवकुश. और ये इन नौजवानों ने बड़ा अच्छा किया. लवकुश है ये. He passed his 12th standard. No hope of passing. और पास होने की कोई उम्मीद नहीं थी. Okay, God gave him a very, very good admission in a good college also. Give him a big God bless you. कॉलेज में इनको दाखला भी दिला दिया. And you know he says he did well in the 12th standard also, and he passed with distinction. Can you how much did you get? Wow! Give him a big God bless you. चलो तालियों के साथ अभिनंदन करें. That doesn't matter. Give him a big God bless you. God bless you. God bless you. Take care. This is the name of Sumati. एक आप सुमति है. Sumati. Yeah. For the past 8 days, she was having pain in her back. Yeah. 8 दिनों से इनके पीठ में दर्द था. Because of that, she was not able to bend. और इसके वजह से मुड़ नहीं पाती थी. And now, as you were speaking, she received healing in her back, and the pain is completely gone. Somebody shout hallelujah. पीठ दर्द की समस्या चकाई को पाया दर्द चला गया. I see people with problem in the spine, in the waist, and in the hands, in the elbows. The Lord is healing you. People, just check your body. The Lord has healed you right now. और रीढ़ की समस्या, कमर का दर्द, हाथों का, कोहनी का जो दर्द इस समय निकल रहा है जैसे भाई बोली रहे, अपने शरीर को जांच कर देखो. Next one, second, brother, secondly, she had a pain in her hands. और इसके बाद इनके हाथ में भी दर्द था. In her right hand, she was having pain. She says a pain in the hand also completely gone. Somebody shout hallelujah. पुलिस चला गया है. This sister's hands and legs were paining severely, and she had a pain in her legs. What's her name? इनके हाथ और पांव बहुत दर्द कर रहे थे गंभीर तौर पे. Rosie Briganza. Rosie, 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 Rosie. And she could not climb up the stairs and all, and she was now she's feeling light. सीढ़ियां चढ़ने पाती थी, अभी बड़ा हल्का इनका महसूस हो रहा है. Hold her, hold this precious sister. Hold her, please hold her. Touch her right now. Power, power, just move into this woman's life. In Jesus' name, give her a big God bless you. Come on, somebody. This brother's name is Oscar. He says he has been experiencing itching problem on his neck. On his neck. Elbow. Spirit of God. And waist. Yes. And also on his legs. Yes. He says he experienced healing right now. But what happened to him, you said? What happened to him? He was having itching. You have itching? Yes. Come here. Where's your wife? Is your wife come here? Please stand where you are. English, stand up where you are, fast. Now the Holy Spirit says, पवित्र आत्मा कहता है, I'm breaking the yokes of your neck today. और तुम्हारी गर्दन पर से जुए को मैं तोड़ रहा हूँ आज. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. I'm breaking the yokes of your neck. और तुम्हारी गर्दन पर का जुआ मैं तोड़ रहा हूँ. You shall no longer be a slave. Hallelujah. तुम गुलाम नहीं रहोगे. Though you have much, you have been a slave. Hallelujah. और ज़्यादा होते हुए भी आप गुलामी का जिंदगी जिए. But right now. मगर ठीक अभी. God is saying, I'm breaking the yoke of slavery over your life in Jesus. और परमेश्वर कहता है, गुलामी के जुए को मैं तुम्हारी जिंदगी में से तोड़ रहा हूँ यीशु के नाम में. क्या ये था कोरमा? You have been a slave. आप गुलाम रहे. You are slogged and slogged and slogged. Give him the mic. Gulabi, gulabi, gulabi kiye. Hallelujah. I am a man of God. Hallelujah. I purpose ka jana hai. You have so much, but you still a slave. Bahut kuch hone ke bawajood bhi aapne gulami ka jeevan jiya. I see the spirit. You are under a heavy burden. Aur bhari bojh tale dabe hue the. Is this true, sir? Kya sach hai shriman? Very true, sir. But God is saying. Magar parmeshwar keh raha hai. Today. Aaj. You are receiving. Hallelujah. Aapko mil raha hai. Hallelujah. In the name of Jesus. Yeshu ke naam mein. Today. आज लेट हीलिंग टेक प्लेस. चंगाइया होए. इन द नेम ऑफ जीसस. यीशु के नाम में. रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस. ग्रहण कर लो यीशु के नाम में. बी डिलीवर्ड राइट नाउ. आजाद हुए आप.